नूरपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नूरपुर भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का की अध्यक्षता में पूर्व भाजपा पार्टी द्वारा खोले संस्थानों को डीनोटिफाइड करने पर रोष प्रकट किया तथा कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने आज नूरपुर SDM के माध्यम से गवर्नर को एक ज्ञापन भी दिया तथा रोष रैली निकाली। नूरपुर भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि आज यहां नूरपुर भाजपा कांग्रेस पार्टी ने आते ही जो जनविरोधी निर्णय लिए हैं वह लोगों को जख्म दिए हैं। लोगों को जो सुविधा भाजपा सरकार द्वारा दिलाई गई, चाहे वो बिजली SC ऑफिस है, किसान है, अगर उन्हें 3-फेज बिजली का कनेक्शन लेना हो तो उन्हें डलहौजी जाना पड़ेगा, आज यह सुविधा नूरपुर में मिलती है। इंदौरा का क्षेत्र एक इंडस्ट्री क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा ने लोगों की सुविधा के कार्य शुरू किए थे उन्हें बंद कर दिया है। आज हमने नूरपुर SDM के माध्यम से गवर्नर को भेजा है, इतने ऑफिस बंद करने से लोगों को दूर जाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ करना ही है था तो पहले अपने वायदों को, गारंटियों को पूरा करे जो उन्होंने लोगों से किए हुए हैं। भाजपा पार्टी प्रदेश भर कांग्रेस पार्टी के निर्णयों का विरोध कर रही है और अगर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में भाजपा पार्टी सड़कों में उतर कर विरोध करेगी। इकट्ठा हुए हैं किस लिए इकट्ठा हुए हैं इसके बारे में बताएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी नूरपुर जो जन विरोधी निर्णय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आते ही लिए हैं, लोगों को जख्म दिए हैं, लोगों को सुविधा यहाँ पर जो हमारी भाजपा सरकार द्वारा दिलाई गई, चाहे हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सी हमारा ऑफिस है, हमारे गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, जमींदार लोग हैं, 3-फेज का कनेक्शन लोगों को चाहिए होता है तो डलहौजी जाना पड़ता था, आज वो सुविधा अगर हमारे लोगों को नूरपुर में मिल रही है। इंदौरा का एरिया देख लो, इंडस्ट्री एरिया है, अनेकों यहाँ पर हमारे जो लोगों को जरूरत है उसको पूरी करने के लिए हमारी भाजपा सरकार ने जो निर्णय लिया वो इन्होंने बंद करने के आदेश जो दिए हैं उसका विरोध हम करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल नूरपुर जो जन विरोधी निर्णय इन्होंने लिए हैं उसकी निंदा हम करते हैं, जबकि इनको चाहिए था कि हिमाचल में इनकी गवर्नमेंट बनी है तो लोगों को एक अच्छा कोई अपना उपहार देते, जो वायदे किए होते, जो इन्होंने चुनावी वक्त जो वायदे किए उसको पूरा करते तो लोगों में खुशी होती, मगर पूरे हिमाचल प्रदेश में रोष है हर कार्यकर्ता में जो भी हमारे यहाँ पे हमारे हिमाचल वासी हैं, क्योंकि इतने ऑफिस बंद करने से हमारे लोगों को दूर दराज जाना पड़ेगा, तो उसकी निंदा हम करते हैं। जो ज्ञापन आज हमने यहाँ पर गवर्नर साहब को, यहाँ पर SDM साहब महोदय के माध्यम से हमने उनको भेजा है, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे। अगर कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो भाजपा का क्या आगे रणनीति रहेगा? भाजपा पुरजोर विरोध करेगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आने वाला जो चुनाव है हमारा लोकसभा का, उसमें इनको पूरा पूरा जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग पूरा विरोध, हिमाचल के लोग इसका कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।